हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार पुनः सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम गणित विषय का बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो टू डायमेंशनल 2D से संबंधित है। दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है, ये जो चैप्टर है, वो बोर्ड परीक्षाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो ADC की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें हर शिफ्ट में इस चैप्टर से कम 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। दोस्तों, आपने 2D के अंदर अक्षों के बारे में सुना होगा। दो अक्ष होते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। तो आप देख रहे हैं चित्र में, यह है एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष, और ये दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इन अक्षों को यहां दर्शाने पर ये कार्तीय तल बनता है, और जब दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो यह 4 चतुर्थांशों में बटेगा, जिन्हें क्रम से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। वापिस ध्यान करेंगे, दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो 4 चतुर्थांशों का निर्माण होगा, जिन्हें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। अब आपको ये समझना है कि कौन से चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस होगा और कौन से चतुर्थांश में वाई का मान प्लस होगा। ऐसे ही कौन से चतुर्थांश में वाई का मान माइनस होगा और कौन से चतुर्थांश में एक्स का मान माइनस होगा। तो ध्यान करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। आप सबको पता है इधर एक्स के धनात्मक मान आते हैं, इधर एक्स के ऋणात्मक मान आते हैं, जिसे एक्स से डिनोट करेंगे, या इधर वाई के धनात्मक मान और या वाई के ऋणात्मक मान, जिसे वाई डैश से डिनोट करेंगे। तो पहले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है, दूसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस का होता है जबकि y प्लस का होता है, तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है, ऐसे ही चौथे चतुर्थांश में x प्लस का जबकि y माइनस का होता है। दोस्तों, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनता है कि निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप वहां चतुर्थांश का पता कैसे करेंगे, जब आपको ये पता होगा कि पहले चतुर्थांश में x प्लस है, y भी प्लस है, ऐसे ही दूसरे चतुर्थांश में x माइनस है, y प्लस का है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के हैं, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे ही। चलिए मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने देखा कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के, दूसरे में x प्लस माइनस का, y प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के और चौथे में x प्लस का और y माइनस का। यहां पर एक क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं कि बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अब हमें बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहां पर देखा कि पहला मान x का है,
भुज है और ये कोटि y का मान है, तो हम यहाँ से पता करेंगे कि x माइनस का और y प्लस किस चतुर्थांश में होता है। आपने यहाँ देखा कि x माइनस का और y प्लस का है, तो ये निश्चित रूप से जो बिंदु माइनस 2.3 है ये सेकंड यानी दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस प्रकार के जो भी इजी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न यहाँ से सारे क्लियर होते हैं कार्तीय तल में। बोर्ड परीक्षा में भी जैसे सवाल आता है कि निम्न बिंदुओं को दर्शाने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो वहाँ बिंदु हम कैसे दर्शाएंगे वो हमें पता होगा कि ये चतुर्थांश, ये बिंदु इस चतुर्थांश में स्थित है, ये बिंदु इस चतुर्थांश में स्थित है, तभी वो दर्शा पाएंगे। चलिए अब हम सवालों की चर्चा भी करेंगे, दूरी सूत्र से संबंधित सवाल आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक ले रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग, कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसका सूत्र रहेगा अनुरूप एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए रहेंगे और हमें कहा जा रहेगा कि निम्न दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र क्या है, अनुरूप एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि बिंदु माइनस 2.3 व 6.5 की के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने एक एग्जांपल लिया है कि बिंदु माइनस 2.3 व 6.5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम इसको ए मान लेते हैं माइनस 2.3, इसको बी मान लेते हैं 6.5, तो इसके बीच की दूरी जो है दोनों के बीच की दूरी ए भी हो जाएगी। सूत्र अपने पास है अनुरूप एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मान लेंगे तो मित्रों ये रहेगा एक्स वन वाई वन और ये रहेगा आपका एक्स टू और ये रहेगा वाई टू। अब आपके पास सबके मान है, तो मान को कट करेंगे, एक्स टू यहाँ पे देखेंगे 6 माइनस और यहाँ पर भी माइनस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और जब 6 2 हो जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 देंगे तो 2 का स्क्वायर। आप सबको पता है 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो 168 इकाई आ जाएगी। तो हम इस सूत्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर हमने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। तो सूत्र क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए जो और पत्रियों की परीक्षाओं में भी, अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इससे हम हल कर सकते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन इससे बनता है, वो क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो मित्रों देखिए कई बार सीधे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं माइनस 5.2 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है 3.6 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन हमने लिए, पहला क्वेश्चन है माइनस 5.2 की x अक्ष से दूरी और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है 3.6 की y अक्ष से दूरी। तो मित्रों इसमें क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गलत करके आ जाते हैं। तो देखेंगे कि आपको जब भी x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको y अक्ष का निर्देशांक जो है वो उत्तर में देना है, और जब आपको y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x का जो निर्देशांक है उसका
उसका जो मान है वो आपको लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, x अक्ष से दूरी में हमेशा आप y का निर्देशांक लिखेंगे, x अक्ष से दूरी में आप y का निर्देशांक लिखेंगे और यहाँ पर y का निर्देशांक 2 है, तो इस बिंदु की जो x अक्ष से दूरी रहेगी -5.2 की वो 2 रहेगी, क्योंकि x अक्ष पर x का तो कुछ मान होगा और y का मान वहां पे 0 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो y अक्ष पर y का तो कुछ मान होगा लेकिन x का मान 0 हो जाएगा, इसलिए y अक्ष से दूरी क्या रहेगी, x का निर्देशांक लिख देंगे। x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y का निर्देशांक लिखना है और y अक्ष से जब आपको दूरी पूछी जाए तो x का निर्देशांक मित्रों लिखना है। तो मित्रों आपको निश्चित रूप से ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि आपने YouTube चैनल हेमंतराज मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं निर्देशांक ज्यामिति से अगले एक दो दिन में नए नए वीडियो लेकर अपलोड करने वाला हूं। धन्यवाद।